यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका भी कहीं का नहीं रहा। रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने अपना पैसा, हथियार और साख दांव पर लगा दी, लेकिन अब सब कुछ अमेरिका पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। खुद नाटो देशों ने अब अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन सभी के बीच रूस ने खामोशी के साथ अमेरिका में सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला कर दिया है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के जिन सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी अमेरिका के जरिए, जिनको लड़ना सिखाया गया था, अब उन सभी सैनिकों को रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहा है, जिसको लेकर अमेरिका कई दो दशकों तक उलझा रहा वही उसके गले का फंदा बन गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब अमेरिका की सेना अचानक से निकल गई तो अमेरिका का साथ देने वाले सैनिकों को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। इन सैनिकों को अमेरिका ने ही सेना की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अब यही सैनिक रूस के लिए हथियार बन रहे हैं। अब उसी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं जिसकी मदद अमेरिका कर रहा है। ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने रूस जाने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई बार समझा चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि पुतिन यूक्रेन के साथ अब अमेरिकी की भी गर्दन मरोड़ देंगे। वैसे इस पूरी घटना पर भारत मुस्कुरा तो जरूर रहा होगा, क्योंकि समय समय पर उसे धमकाने वाले अमेरिका से रूस ने ही बदला ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बहुत बार अपनी दिशा बदलती है। कौन सा दोस्त कब दुश्मन बन जाए और कौन सा दुश्मन कब दोस्त बन जाए, पता नहीं चलता।